अस्सलाम वालेकुम, आई एम शेफ नुसरत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रमजान स्पेशल रेसिपी सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चीज बॉल। इन दोनों रेसिपीज को आप फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हो, जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। एक कप उबले हुए आलुओं को मैश कर लिया है, हाफ कप चेदर चीज के क्यूब लिए हैं और इनमें मैं बेसिक मसाले डालूंगी। अब एक बॉल में मैं आलू डालूंगी। फिर मैंने उबली हुई चिकन ली है एक कप, एक टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, एक टीस्पून कुटी हुई मिर्च ली है लाल, एक टीस्पून नमक लिया है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसके सेंटर में चीज़ बॉल रखूँगी और मैं इसको गोल बॉल बना लूँगी। इसको मैं बनाकर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। फिर उसके बाद मैं इसकी कोटिंग करूँगी। चीज़ बॉल में हमेशा चदर चीज़ का इस्तेमाल करें, मोज़रेला का नहीं। मोज़रेला चीज़ जो है वो पिघलता नहीं है, चदर चीज़ जो है वो इसमें मेल्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे चीज़ बॉल बहुत ही मज़े के लगते हैं। चीज़ बॉल को अंडे में और ब्रेड क्रम में कोट करूंगी और इस तरीके से अच्छी तरह का से कोट करके और फिर ये हमारा चीज़ बॉल रेडी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह करके मैं सारे चीज़ बॉल की कोटिंग कर लेती हूँ। ये सारे चीज़ बॉल मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र कर दूँगी और जब हमारा दिल चाहेगा हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अब मैं फ्राई करने लगी हूँ और ये हमारे तैयार हो गए हैं और ये बहुत मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलें अब बनाते हैं सेकेंड रेसिपीज, चिकन डोनट्स। एक पाव मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है और 3 से 4 आलू उबले हुए लिए हैं, आधा कप हमने ब्रेड क्रम लिया है, ब्रेड का साइड कप, आधी प्याली हमने चॉप की हुई प्याज ली है, 5-6 हमने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ली है हमने, 1 टीस्पून नमक लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो फिर मैं इसको चोपर में डाल दूंगी और इसको ग्लेंड कर लेंगे हम। अगर ये आपको सूखा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये चिकन डोनट्स बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। ये देखें, ये पिस चुका है बैटर और ये बैटर इस तरह से होना चाहिए, इतना थिक। और अब इसको मैं पाइपिंग बैग में डालूँगी और इसको मैं डोनट की शेप दूँगी। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मोटे बनाने हैं, पतले बनाने हैं, छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं। ये देखें, ये बैटर इतना गीला है, इसको अब हम फ्रीज़र करेंगे, ये फ्रीज़र में जाके जम जाएगा और डोनट की शेप बनी रहेगी। ये देखें, सारे हमारे डोनट तैयार हो गए हैं। हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे, ब्रेड क्रम की और अंडे की कोटिंग। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम लगा रही हूँ और अंडे में डिप करके और इसकी कोटिंग कर रही हूँ। मैं इस तरीके से सारे डोनट पे अपने ब्रेड क्रम और अंडे की कोटिंग कर लूँगी और हमारे इस तरह डोनट तैयार हो जाएंगे और ये बहुत मज़ेदार होंगे और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जब भी आपका दिल चाहे आप फ्रीज़र से निकालें और फ्रीज़र से निकाल के आप इसको फ्राई करें और बच्चों को और आप ख़ुद भी बहुत मज़े के लगेंगे। इन डोनट को आपने हल्की आँच में फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। अगर आपने तेज़ आँच में पकाया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम टेम्परेचर ऑयल में डालिएगा, ज़्यादा तेज़ में नहीं डालिएगा वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से सही नहीं पकेंगे। जब ये पकने लगेंगे तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा और ये फूलने लग जाएंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से कलर आ गया है, ये पक गए हैं और हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखें, हमारे रेडी हो गए। कितने अच्छे बने हैं, कितने ज़बरदस्त डोनट बने हैं और ये बहुत मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बने हैं। मेरी ये दोनों रेसिपीज़ आपको रमज़ान की कैसी लगी हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपीज़ आप आम दिनों में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ही बनाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।